तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे करके आप अपने फोन के अंदर सिंपल तरीके से DNB लगा सकते हैं। तो डू नॉट डिस्टर्ब का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस, कोई भी डाउट है तो आप भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल में जाना है और यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके उसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे इसको आप टर्न ऑन करेंगे आपका ये ऑन हो जाएगा। लेकिन गाइस, इसकी कंप्लीट सेटिंग समझना चाहिए आपको, तो उसके लिए गाइस इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखते हैं और उसकी सेटिंग के अंदर पहुँचते हैं। और यहाँ पे गाइस आपकी डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो चुकी है, इसको हम शेड्यूल्ड भी कर सकते हैं। अब गाइस ये देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे गाइस जो आपकी नोटिफिकेशन आपको अलाउ करी गई हैं, तो गाइस वो यहाँ पे कौन कौन सी नोटिफिकेशन यहाँ आपको अलाउ करी गई हैं, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका स्टेटस बार के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बैनर वाली कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। लॉक स्क्रीन होगा तो वहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, बट आपकी स्क्रीन जो है ऑफ ही रहेगी, नोटिफिकेशन वैजेस कुछ नहीं आएगा। इनको आप इनेबल कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ से आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी डू नॉट डिस्टर्ब के टाइम। ओके, अलाउ मैसेज फ्रॉम नो वन, तो गाइस किसी से आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट पे कर देंगे तो जिस बंदे से आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नंबर है उसका मैसेज आपको आ जाएगा। सेम चीज़ कॉल के लिए भी है, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट रखेंगे, एनीवन रखेंगे, नो वन रखेंगे तो आपको किसी का भी कॉल का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो म्यूट मीडिया वैन डू नॉट डिस्टर्ब इज इनेबल। तो गाइज़ आपका मीडिया का जो साउंड रहता है, गाने वगैरह चलते हैं, तो गाइज़ उसको भी आपके यहाँ पे बिल्कुल ऑफ हो जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब लगाने के बाद। ओके गाइज, रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स, इसको अगर आप इनेबल रखेंगे, सेम नंबर से आपको 3 मिनट के अंदर अंदर कॉल आता है तो आपका फोन साइलेंट नहीं रहेगा और आपका फोन रिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थी डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग्स। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज़ हम मिलते हैं आप सभी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय।